वेलकम बैक दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमारे सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है, उसकी दो यूनिट्स अब तक कवर कर ली हैं। यूनिट 1 में हमने समझा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, एक ही चैप्टर था उसके अंदर, उसी चैप्टर को हमने अच्छे से जो है अपनी पुरानी वीडियोज के अंदर कवर कर लिया था। हमने यूनिट 2 में बजटरी कंट्रोल, बजटिंग वगैरह समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा हमने जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है और लीज फाइनेंसिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो भी हमने वहां पर समझने की कोशिश की थी। आज हम अपनी यूनिट 3 पे शिफ्ट करेंगे, जिसके अंदर हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो जब से ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, वो बनाया गया है, तब से इनहेरेंट है, तब से मौजूद है इस फील्ड के अंदर, उनको किस तरह से रिजोल्व किया जाएगा, कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाएंगे। तो उसके अंदर हमारी कुछ कुछ अलग अलग चीजें हैं जो कॉस्टिंग से ज्यादा आपकी रिलेट करती हैं। तो आज का हमारा जो कंसर्न रहने वाला है डिस्कशन का, लेक्चर का, वो रहेगा वैल्यू चेन एनालिसिस। तो आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के। आपका जो है वैल्यू चेन एनालिसिस पे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है, या कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको कहते हैं। तो आइए एक बार इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स एलिमेंट गो ऑन चेंजिंग ड्यू टू वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स विच गिव बर्थ टू कंटेम्प्रेरी इश्यूज सच एज वैल्यू चेन एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्वालिटी कॉस्टिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एक्सेट्रा, विच नीड्स टू बी स्टडीड सीरियसली एंड सिस्टमैटिकली सो एज टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कह रहे हैं ये कि देखिए, आपने हम हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बिजनेस एनवायरमेंट का लेक्चर जो है सब्जेक्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमने ये समझा था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडस्ट्री कितने जो है ड्रास्टिकली चेंजिंग, कितने डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करती है, वो एनवायरनमेंट किस चीजों से डिवाइडेड होता है। कुछ फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर भी आगे दो विभाजन किए गए थे, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। अगर आपको याद है ये चीजें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो एक बार जाकर वो चीजें देख लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ पर बिजनेस एनवायरमेंट सब्जेक्ट से भी लिए गए हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक बिजनेस जो है वो कितने डायनेमिक और हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, कितनी रिस्क होती है उसके आसपास जिसको उसको फेस करना पड़ता है, और उन रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही अपने मैनेजीरियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या किसी भी तरह के और इकोनॉमिक डिसीजंस वो लेता है। तो वही चीजें ये कह रहे हैं कि पैसेज ऑफ टाइम द बिजनेस एनवायरमेंट, यानी जैसे जैसे समय गुजरा तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट था और उसके जो एलिमेंट थे, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, अगर आपने पढ़े हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो आपको अच्छे से याद होंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होते हैं जो एक कंपनी के इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं, उसके एम्प्लॉइज, उसकी मैनेजमेंट, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, उसकी फाइनेंशियल पोजिशंस, उसकी वर्किंग कैपिटल, तो इस तरह की चीजें, उसके लेबर, तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो ये कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये कंपनी के इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एम्प्लॉइज कहाँ होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजमेंट किसकी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, लेबर कहाँ काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मशीनरी किसकी स्ट्रांग होगी ऑर्गेनाइजेशन की, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी किसकी होगी ऑर्गेनाइजेशन की। सिमिलरली अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो वहां पर माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स आ जाते हैं। मैक्रो में आपके आ जाते हैं पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इस तरह की चीजें जो बड़े लेवल पर आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, लेकिन आपके बिजनेस के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो बिजनेस के बाहर है। बहुत सारी चीजें क्या है, ये अनकंट्रोलेबल है। बिजनेस के इंटरनल चीजों को आप कुछ लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल चीजों को जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे ये चीजें हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स या कंटेम्परेरी इश्यूज कह लीजिए, उनको क्या किया, जन्म दिया है। तो उनमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस, जो कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। तो वैल्यू ऑफ चेन एनालिसिस क्या होता है, जैसे जब एक प्रोडक्ट जो है, जो आप फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट जिस स्टेज पे आपको अवेलेबल कराया जाता है, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, है ना। तो रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेसन या कन्वर्जन जो है उसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। तो रॉ मटेरियल को जो है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर डाला जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उसकी असेंबली की जाती है, उसके अंदर धीरे धीरे करके जो है चीजें ऐड की जाती हैं। तो जैसे जैसे एक रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म में जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर्म धीरे धीरे फिनिश्ड गुड की फॉर्म में जाता है। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे एक रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड की तरफ जो है प्रोसेस उसका बढ़ता जाता है, तो उस गुड में उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी ऐड होती जाती है, वो भी बढ़ती जाती है। हर स्टेप पे एक जो वैल्यू है उस प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है। जब रॉ मटेरियल आता है तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, लेकिन जैसे ही रॉ मटेरियल के अंदर पहला प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी। सिमिलरली लास्ट तक आते आते लास्ट तक कौन सा प्रोसेस होता है, फिनिश्ड गुड का। तो जब फिनिश्ड गुड बन जाता है तो ऑब्वियसली फिनिश्ड गुड की जो वैल्यू है वो उस फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है उसकी वैल्यू से कहीं ज्यादा होगी। तो वही चीज ये कह रहे हैं, वही चीज हमें फाइन वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर पढ़नी है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ जाता है। देखिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं या एक इंडस्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर अगर आप अपनी कॉस्टिंग करेंगे, यानी कि एक्टिविटीज में कितना पैसा लगा, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, कौन से कॉस्ट सेंटर्स हैं, कौन से रेवेन्यू सेंटर्स हैं, ये चीज अगर आप एक्टिविटी बेसिस पे देखेंगे, यानी कि एक पूरा एक्टिविटी, तो उसके बेसिस पे एक प्रोडक्ट के बेसिस पे ना देख के किस पे देखेंगे, एक्टिविटी, उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर क्वालिटी कॉस्टिंग आ जाता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टारगेट कॉस्टिंग, लाइक इस तरह के अलग अलग जो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं आपके सिलेबस में आगे आगे पढ़ते रहेंगे। फर्दर बाय कंट्रोलिंग द वीक पॉइंट्स एंड कंसोलिडेटिंग द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली व्हिच लीड्स टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ देयर प्रीडिटरमिंड गोल। देखिए जब आपके पास एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, प्रॉपर कॉस्टिंग होती है, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, तो उससे होता क्या है, क्या अचीव करते हैं आप, उससे आपको पता चलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वीक पॉइंट्स कौन से हैं, और आपको उससे पता चलता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, और जो वीक पॉइंट्स है क्या उनको इंप्रूव किया जा सकता है। अगर उनको इंप्रूव किया जा सकता है तो उनको इंप्रूव करने के क्या मेजर्स लेने हैं, वो मेजर्स क्या, हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग सेंटर्स है, जो कम मिनिमम कॉस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेटेजी यूज हो रही है क्या उन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके हम अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकते हैं। तो अगर ये किया जा सकता है तो वो प्रोसेस को करना पड़ेगा, वो मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे। नहीं किया जा सकता तो उन वीक पॉइंट्स को एटलीस्ट आइडेंटिफाई करके बंद किया जा सकता है ना, क्योंकि वो क्या अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, उन वीक पॉइंट्स को जो है वो वीक पॉइंट्स प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहे हैं और कॉस्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा इनकर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो वीक पॉइंट्स जो है वो किस लिए, वो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन जो है वो वीक कर दे रहे हैं, तो उनको बंद करा जा सकता है, उनको डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, ताकि वहां से जो हमारी फंड्स की एलोकेशन जो वहां जा रही थी वो कहां डाइवर्ट हो सके, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे, ताकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग बनाए जा सके। तो ये प्रोसेस सारी चीज की जाती है, इन्हीं को करने के लिए ये सारे चीजें की जाती हैं। कौन कौन सी, वैल्यू चेन एनालिसिस हो गया, टैक्स कॉस्टिंग हो, टैक्स अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, कोई भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी होती है, और इनसे अल्टीमेट अफेक्ट क्या पड़ता है, फिर आप जो अपने प्री डिटरमिंड गोल्स है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर लॉयलिटी, ये जो आपके गोल्स हैं ये अचीव हो पाते हैं जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ए टू जेड जो आपका काम हो रहा है, जब आप शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पता है आपको, स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वीकनेसेस को डिमोट कर रहे हैं, इस तरह की अगर आप एक्टिविटीज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो आप आराम से अचीव कर पाएंगे। आइए देखते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज थ्रू विच अ प्रोडक्ट पासेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है एप्पल आईफोन 13 है, उसकी लाइफ साइकिल के अंदर जो भी एक्टिविटीज से वो पास कर रहा है, देखो क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी नहीं, कई एक्टिविटी, और उन एक्टिविटीज का भी एक समूह यानी ग्रुप, ठीक है। तो उसके अंदर से जैसे जैसे वो अपने लाइफ साइकिल के अंदर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जैसे जैसे वो पास कर रहा है, उन सारी एक्टिविटीज को क्या कहा जाएगा, वैल्यू चेन। ये जरूरी नहीं है कि वैल्यू बढ़ेगी ही, एक पॉइंट के आने के बाद वैल्यू डिक्रीज या डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए जब सबसे पहले आईफोन बनाने के लिए फ्रेम डेवलप किया जाएगा उसका, है ना, कास्ट डेवलप की जाती है जिसके अंदर उसका एल्यूमिनियम चेसिस बनाई जाएगी, फिर उसका मिरर जो है, सॉरी मिरर कह रहा हूँ, ग्लास जो है, ग्लास बैक और ग्लास फ्रंट
ठीक है, कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वो मंगाया जाएगा, उसमें बैटरी लगाई जाएगी, उसका इंटरनल जो मदरबोर्ड है वो सारा अरेंज किया जाएगा, कैमरा अरे किया लगाया जाएगा उसके अंदर। जैसे जैसे एक प्रोडक्ट वो सिर्फ एक सिंगल कास्ट से बनकर पूरा मोबाइल फोन तैयार हो जाता है, तब तक उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है। जैसे ही वो मार्केट के अंदर लॉन्च होता है तो उस इंक्रीज्ड वैल्यू यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में बढ़ बढ़ के वहां तक पहुंची है, उसके ऊपर मार्जिन लगा है वो भी वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा, है ना। तो जब वो मार्केट के अंदर जैसे ही लॉन्च होगा और द पॉइंट यू बाय द मोबाइल, तो वहां उस पॉइंट से जब उसकी वैल्यू डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी प्रोसेस किसके अंदर काउंट किया जाएगा, वैल्यू चेन के अंदर। ठीक है, तो वो चीज यहां पर बात की गई है कि यहां सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस की बात नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद जब वो फाइनल गुड बन जाता है, फाइनल गुड के बाद जब वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, मार्केट में अवेलेबल होने के बाद जब वो कस्टमर्स के हाथ में पहुंच जाता है, और उसके बाद कस्टमर के हाथ में रहने के बाद भी 3-4 साल तक जो उसकी पूरी लाइफ साइकिल है ना, एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे काम करती है, इन्फेंसी होती है, फिर ग्रोथ स्टेज आती है, ग्रोथ स्टेज से फिर वो मैच्योरिटी पे पहुंचता है, मैच्योरिटी से फिर वो डिक्लाइन पे पहुंच जाता है। ये चीजें हमने पीछे अपने सेमेस्टर वन में भी कवर की थी, वही सेम चीजें यहां पर भी आएंगी। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी इसी तरह काम करती है, प्रोडक्ट अपनी जब ग्रोथ स्टेज पे होता है तो वो बहुत ज्यादा बिकता है, उसकी सेल्स मैक्सिमम होती है, प्रॉफिट उनसे जो है कंपनी को मैक्सिमम मिल रहा होता है। सिमिलरली जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट से वो कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा मिल रही होती है, फिर वो अपनी मेजोरिटी पे पहुंच जाता है, यानी कि अब जो है मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन कर चुका है प्रोडक्ट, मैक्सिमम सेल्स अचीव कर चुका है, इससे ज्यादा ये जा नहीं सकता। उस मेजोरिटी पॉइंट के बाद अल्टीमेटली फिर वो क्या फेस करता है, डिक्लाइन फेस करता है। अब जैसे जैसे iPhone 14 के लॉन्च की डेट पास आती जा रही है, iPhone 13 का डिक्लाइन भी वहां पर शुरू होता जा रहा है, तो वही एक प्रोडक्ट साइकिल का भी। तो जैसे जैसे अब आप देखते हैं Amazon के ऊपर जिस भी दिन iPhone 14 लॉन्च होगा, उस दिन iPhone 12 iPhone 13 के प्राइस एकदम से स्लैश कर दिए जाएंगे। ये भी वैल्यू चेन का ही पार्ट है, क्योंकि ये भी एक एक्टिविटी है, डिस्काउंट देना भी एक एक्टिविटी है, जिससे प्रोडक्ट की क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। एक तो वैल्यू एड होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है और उसको वो कॉम्पिटिशन फेस करता है, तो फिर वैल्यू डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। All these activities add some value to the product, and at the end, the value of final product becomes much more than that of the raw product. तो एक सिर्फ चेसिस है, ये सिर्फ एक कैमरा मॉड्यूल है, मैं उस कैमरा मॉड्यूल की क्या यूटिलिटी रखूं? अगर मुझे एक आईफोन ना देकर आप मुझे सिर्फ उनके 3 कैमरास पकड़ा दो, तो जब तक मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा उन कैमरास को ऑपरेट करने के लिए, जब तक मेरे पास बॉडी नहीं होगी उन कैमरा को प्लेस करने के लिए, मेरे लिए वो कैमरा तो यूजलेस है। वो कैमरे का प्रोडक्टिविटी कब निकलेगी, जब वो पूरा मोबाइल फोन बनकर मेरे हाथ में आ जाएगा, जब उसके अंदर प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाएंगी, जब उसके अंदर प्रॉपर कैमरा सॉफ्टवेयर डल जाएगा, तभी तो मैं उस कैमरा को एक्सेस कर पाऊंगा। मैं हार्डवेयर कब एक्सेस करूंगा, जब उस हार्डवेयर के कंपेटेबल सॉफ्टवेयर होगा, जाके यूजर जो है उससे क्या कर सके, इंटरफेस कर सके, है ना। ये चीजें हमने कहां पढ़ी थी, कंप्यूटर में पढ़ी थी, वही चीजें यहां कह रहे हैं कि जब एक सिर्फ एक सिंगल चीज होती है रॉ मटेरियल इनपुट, उसकी अपनी कोई खास वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो एक प्रॉपर फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, एक एक पार्ट अलग अलग असेंबल हो जाता है, वो फाइनल मोबाइल फोन बन जाता है अपने आप में, तो उसकी वैल्यू जो है वो रॉ मटेरियल की वैल्यू से बहुत ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ रफ डायमंड पासिस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज सच एज क्लीविंग, ब्रूटिंग, पॉलिशिंग, इंस्पेक्टिंग एक्सेट्रा, विद ईच एक्टिविटी एड सम वैल्यू टू इट। एट द एंड इट इज एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ रफ डायमंड इज मच लेस देन दैट ऑफ अ पॉलिश्ड डायमंड। तो क्या कह रहे हैं, एक रफ डायमंड है यानी माइन से, कोल माइन से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब रफ डायमंड की अपने आप में कोई खास वैल्यू नहीं होती है, उसके ऊपर पॉलिशिंग की जाती है, उसको वो शेप दी जाती है ना, इस तरह की ऐसे शेप दी जाती है ट्राइंगुलर सी, वो शेप दी जाती है, पॉलिशिंग होती है ताकि वो शाइन कर सके, वो ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके उसको, वो सारे प्रोसेस जब किए जाते हैं, जब वो फाइनली आपको किसी ज्वेलरी शॉप पे मिलता है, तो उस वो सारे प्रोसेस के बाद मिलता है, और वो सारे प्रोसेस उसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, उन सब प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वैल्यू चेन। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस वाज ओरिजिनेटेड इन 1985 बाय मिशेल पोर्टर। तो मिशेल पोर्टर एक बंदे थे जिन्होंने 1985 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था वैल्यू चेन का। वैल्यू चेन एनालिसिस मींस इन डेप्थ स्टडी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज From procurement of raw material to disposal of product, so that value added by each activity can be assessed,
एंड नॉन वैल्यू एक्टिविटी वुड बी एलिमिनेटेड रिजल्टिंग इन टू द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। फिर से वो वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाली बात है। तो जहां पर कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रही है ऐसी एक्टिविटीज, प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के बीच का कोई ऐसा एक्टिविटी जिसके अंदर कुछ खास काम नहीं हो रहा है लेकिन उसकी वजह से जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है, यानी प्रोडक्ट में वैल्यू कुछ ऐड नहीं हो रही है लेकिन कॉस्ट वहां पर बहुत ज्यादा इनकर हो रही है, तो ऐसी एक्टिविटीज को कैंसिल किया जाएगा या बंद किया जाएगा, डिसकंटिन्यू किया जाएगा, डिमोट किया जाएगा। और ऐसी एक्टिविटीज जहां पर कॉस्ट कम इनकर हो रही है लेकिन उससे वैल्यू प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा ऐड हो रही है, उन एक्टिविटीज को क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, रीइन्फोर्स किया जाएगा, उनको रिफंड किया जाएगा। तो इस तरह से ये काम होते हैं। दिस टेक्निक हैज बीन अडॉप्टेड बाय वेरियस कंपनी सच एज पिज्जा हट, एप्पल, आईबीएम। तो ये कुछ कंपनीज के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, बहुत सारी और भी कंपनीज हैं ये चीज जो है अप्लाई करती है। एप्पल, आईबीएम और पिज्जा हट के एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको आपके रेफरेंस के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। आई होप आपको वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होती है वो पॉइंट समझ में आ गया कि जैसे जैसे एक रॉ मटेरियल फाइनल गुड, फाइनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता जाता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, तो हर एक्टिविटी, हर प्रोसेस या हर स्टेप पे उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे वो अपनी फाइनल स्टेज के आसपास पहुंचता है उसकी वैल्यू जो है वो रॉ मटेरियल जब आया था उससे कहीं गुना बढ़ जाती है। वो चीज, प्रोसेस को स्टडी करना क्या कहलाया जाता है? वैल्यू चेन एनालिसिस। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया। आइए अब इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है, जैसे आपकी विकिपीडिया है वैसे ही इन्वेस्टोपीडिया है, या आपकी फाइनेंशियल जो है विकिपीडिया कह लीजिए उसको, काफी अच्छी चीज है। आप इनको एक बार, यहाँ आपको कोई भी फाइनेंशियल डाउट आता है किसी भी नेचर का तो इन्वेस्टोपीडिया आपके लिए अवेलेबल है। वैल्यू चेन एनालिसिस लुक्स एट एवरी स्टेप अ बिजनेस गोज थ्रू फ्रॉम रॉ मटेरियल टू इवेंचुअल एंड यूजर। द गोल इज टू डिलीवर मैक्सिमम वैल्यू फॉर द लीस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट। तो एक तो यही चीज आप हमेशा याद रखना फाइनेंस के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम कब की जा सकती है? जब आप अपने कॉस्ट मिनिमम करो, यानी कि मिनिमम कॉस्ट करो, मैक्सिमम प्रोडक्शन करो। इससे होगा क्या, आपके ऊपर आपकी जो प्रोडक्शन है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे कम से कम कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, आपका खर्चा कम हुआ प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट ज्यादा बने हैं तो ज्यादा बिकेंगे, और जितने ज्यादा बिकेंगे उससे रेवेन्यू ज्यादा होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो हमेशा कॉस्ट को रिड्यूस करके, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करके अचीव किया जाता है। तो वो चीज है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस लुक्स एट एवरी स्टेप अ बिजनेस गोज थ्रू फ्रॉम रॉ मटेरियल टू एंड यूजर, यानी रॉ मटेरियल से लेकर एंड यूजर का मतलब क्या हो गया? फाइनल प्रोडक्ट। आप किसी एंड यूजर को क्या रॉ मटेरियल देंगे? नहीं, उसको तो फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसको तो पता होने की जरूरत नहीं, उसको क्या फर्क पड़ता है कि ये कैसे बना कैसे नहीं बना। उसको अल्टीमेटली आईफोन मिल रहा है पूरा पैक्ड एक बॉक्स के अंदर, वही चीज उसको देनी है, वही चीज उसको प्रोवाइड करनी है, वही कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। उससे पहले का जितना भी प्रोसेस है आईफोन को बनाने का, उस प्रोसेस को इंडिविजुअली स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना वही वैल्यू चेन एनालिसिस कहलाता है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस की। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारे जो गोल्स हैं, इसको पर्पस क्या है वैल्यू चेन एनालिसिस को करने का? टू बिल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टूडेज एरा इट बिकम क्रूशियल टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। वैल्यू चेन एनालिसिस हेल्प्स अ फर्म टू हैव सम एडवांटेजेस ओवर कॉम्पिटिटर विच लीड्स टू हायर प्राइसेस, मोर कस्टमर एंड ब्रांड लॉयल्टी। अब देखो क्या होता है, एप्पल का नाम एग्जाम्पल में इन्होंने आगे ही स्टेट कर दिया अपफ्रंट, और एप्पल का ही एग्जाम्पल मैं आपको ये चीजें समझाने के लिए भी लूंगा। देखो क्या है, एप्पल का आईफोन जो है यूजली बाकी मोबाइल फोनों से ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, ये बात तो सत्य है ना, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है कि एक एप्पल आईफोन जब रिलीज होता है इनिशियली, तो बाकी एंड्रॉयड के अंदर, एंड्रॉयड स्पेस के अंदर जो भी प्रीमियम मोबाइल चल रहा होगा यूजुअली सैमसंग का होता है कोई ना कोई, है ना। तो सैमसंग का भी जैसे S22 इंडिया में रिलीज हुआ है, उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 66,000, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब एक आईफोन लॉन्च होता है, iPhone 13 लॉन्च होता है, iPhone 13 Pro Max लॉन्च होता है, तो उनकी कॉस्ट जो है वो 70, 80, 90,000 अप टू 1,30,000 भी चली जाती है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसकी है? उस कंपनी की है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत लंबा टाइम लिया है ये ब्रांड लॉयलिटी बनाने के अंदर, कि वो एक 1.5 लाख का भी मोबाइल फोन लॉन्च करेगा तो कस्टमर्स उसको खरीद लेगा, क्योंकि कस्टमर्स के अंदर एक इस तरह की लॉयलिटी, इस तरह की परसेप्शन क्रिएट की गई है कि जो एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उस पैसे के बदले, वो हमारी यूटिलिटी, यानी कि कस्टमर यूटिलिटी जो है उसको पूरी तरह फुलफिल कर देगा।
कि कस्टमर के मन में ये परसेप्शन डाली गई है कि वो 1,30,000 1.5 लाख का मोबाइल ले रहा है, तो उसको उसके पैसे की 4 गुना वैल्यू मिलेगी, 4 गुना यूटिलिटी मिलेगी, उसको बेस्ट पॉसिबल कैमरा मिलेगा, उसको बेस्ट पॉसिबल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको बेस्ट पॉसिबल हार्डवेयर मिलेगा, एंड मोर सो उसको क्या मिलेगा, सोसाइटल वैल्यू मिलेगी। तो वो चीज यहां पर की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, वैल्यू चेन एनालिसिस के द्वारा। अगर आपको एज अ कंपनी एप्पल अगर उसको पता हो कि मेरे कौन से प्रोडक्ट, मेरे एक प्रोडक्ट को बनाने में कौन सी चीजें कहाँ कितनी लग रही हैं, क्या चीजें वहां पर जो है कॉस्ट सेंटर्स हैं, क्या चीज कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, कहाँ रेवेन्यू सबसे ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कौन से डिपार्टमेंट, कौन से प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा एड की जा रही है, वो प्रोसेस को, वो एक्टिविटी को वो ज्यादा से ज्यादा प्रोमोट करेगा। वही चीजें हैं, वो चीज क्या प्रोवाइड करती है, कंपिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस आपका महंगा होगा, उतना ही ज्यादा आप उस कॉस्ट के ऊपर मार्जिन चार्ज करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट आपका महंगा बिकेगा, कस्टमर्स के अंदर परसेप्शन क्या आ जाती है कि जितना महंगा होता है उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल या उतना ही ज्यादा प्रीमियम होगा। वो चीज यहां पर है। अब जैसे एमआई के फोन है, रियलमी के फोन है, ओप्पो है, वन प्लस है, फोन अच्छे ये भी कंपनी बनाती है, ऐसा नहीं है कि ये फोन ये कंपनियां फोन बुरे बनाती हैं, कुछ कमी है, ये कुछ और है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम इनका जो प्राइस सेगमेंट है वो बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट बन जाता है। एक तो देखो, एक फोन है 20,000 रुपए का और एक फोन है 1,30,000 रुपए का। अब 20,000 के फोन में भी 64 मेगापिक्सल कैमरा है, 108 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन 1,30,000 के अंदर 12 मेगापिक्सल कैमरा है। बट जब आप दोनों को साइड बाय साइड फोटो खींच कर कंपेयर करेंगे तो सारे कैमरे फेल हो जाते हैं जब आईफोन का 12 मेगापिक्सल का कैमरा सामने आता है। ये चीज है कि इट इज नॉट अबाउट हाउ मच जो है आप कितने ज्यादा उसके अंदर पिक्सल्स डाल रहे हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो प्रोडक्शन है उस कैमरे को, लेंस को बनाने का, उस लेंस का वो जो सेंसर है उसके अंदर जो आप यूज कर रहे हैं इमेज को, लाइट को कैप्चर करने का, वो कौन सा यूज हो रहा है, वो कहाँ डिटरमाइन किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में डिटरमाइन किया जाता है। और जितना ज्यादा अच्छा लेंस यूज करेंगे, जितना ज्यादा अच्छा सेंसर यूज करेंगे, जितना ज्यादा अच्छा प्रोसेसर यूज करेंगे, जितनी अच्छी स्क्रीन यूज करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट की, और जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट महंगा होता जाएगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट महंगा होता जाएगा लोगों के मन में क्या आने लग जाएगा, एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि अगर कुछ महंगा है तो वो यानी कि प्रोडक्ट भी बाकी चीजों से बढ़िया होगा। और ऐसा होता भी है जनरली, आप आईफोन खरीदते हैं 1.5 लाख का, तो इन मेनी केसेस ठीक है वो 1.5 लाख की अपनी वर्थ प्रोवाइड करता है, तो वो चीज है। टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अब ये सारी चीजें मैंने बता दी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, 1.5 लाख का मोबाइल खरीद रहा है, तो खरीदने वाला यही सोचता है कि 1.5 लाख में मेरी जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, वो 100% अचीव हो जाएगी। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अब एक फोन है 20,000 का, एक फोन है 1.5 लाख का, तो अब एप्पल जो है, शाओमी अपने 10 फोन बेच ले तब भी उतना मार्जिन नहीं जोड़ पाएगी जितना आईफोन एक मोबाइल बेच के जो है अरेंज कर लेता है ना वो चीज। अब मान लीजिए 1,30,000 का एक आईफोन है, उसके अंदर 30,000 पर आईफोन एप्पल कंपनी को जा रही है। अब 30,000 का तो शाओमी का फोन ही नहीं है, कोई होगा, कोई जैसे रेडमी वगैरह के ले लो जो रियलमी है वो सब है 25-30 हजार के, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, इससे मैक्सिमम इनके इससे ज्यादा फोन आते ही नहीं है। अब देख रहे हो कि यानी कि इनका जो फोन है वो महंगे से महंगा उतना फोन है जितना एप्पल कंपनी अपने एक फोन से मार्जिन चार्ज कर ले रही है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी अप्रोच हो जाती है। तो अल्टीमेटली आप समझ पा रहे होंगे वैल्यू चेन एनालिसिस किस तरह काम करती है, क्या उसका पर्पस रहता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है क्योंकि उसको लगता है महंगा प्रोडक्ट है, महंगा प्रोडक्ट है तो भाई साहब जो है उसकी यूटिलिटी है, जो उस प्रोडक्ट की उसके फीचर्स जो है वो भी अच्छे होंगे। तीसरी चीज है, एक प्रोडक्ट बिकने में उनको इतना मार्जिन रिसीव हो जाता है जितना बाकी कॉम्पिटिटर्स के 10 प्रोडक्ट बिकेंगे तब भी नहीं मिलेगा, तो ये चीज वहां पर मिल जाती है। तो ये वैल्यू चेन एनालिसिस से आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये चीज आप जरूर ध्यान से देखिएगा। दो तरह की चीज होती है, एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी और दूसरी होती है सपोर्ट एक्टिविटीज। तो यहां पर आप देखेंगे नीचे लिखा है प्राइमरी एक्टिविटीज और यहां पर क्या लिखा है, सपोर्ट एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है ना, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी समझा था। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, जो आपका मेन रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। सिमिलरली प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं डायरेक्टली। तो
तो सबसे पहले क्या होगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल लाने के लिए जो लॉजिस्टिक्स लगेगा, इनबाउंड लिखा है, इन है ना, इन क्या होता है, अंदर लाना, इनसाइड, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब जो रॉ मटेरियल किसी बाहर से मेरी फैक्ट्री के अंदर आ रहा है ताकि उसमें फर्दर प्रोडक्शन की जा सके, तो सबसे पहले तो यही प्राइमरी एक्टिविटी होगी, है ना। प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल चाहिए कब, चाहिए कैसे, वो लाने लाना भी तो पड़ता है ना, तो लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। तो ये याद रखेगा, सबसे पहली चीज प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होती है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, यानी रॉ मटेरियल लाना। उसके बाद क्या होते हैं, ऑपरेशन। सब रॉ मटेरियल आ गया, उसको क्या मैं वेयर हाउस में रखूं, नहीं, उसके ऊपर ऑपरेशन किए जाएंगे। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, उसको प्रोडक्शन लाइन में डाला जाएगा। अब रॉ मटेरियल आ गया, कैमरा आ गया, स्क्रीन आ गई, एल्यूमिनियम की चेसिस आ गई, मदरबोर्ड आ गया, बैटरी आ गई। अब ये सारे अलग अलग पुर्जे हैं, इनको मैं कहाँ डालूंगा, प्रोडक्शन लाइन के अंदर डालूंगा, वहां पर ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए जाएंगे और फिर फाइनली इनके ऊपर पेच वेच लगा दिए जाएंगे, छोटे छोटे ग्लू लगा दी जाएगी जिनसे ये चीजें सील हो जाती हैं। फिर जब ये प्रोडक्ट बन जाता है तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी कि पहले रॉ मटेरियल आया है ना, तो उसको इनबाउंड बोला गया, फिर उसके ऊपर प्रोडक्शन हुई यानी ऑपरेशन हुई, जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद, तो उसको बाहर भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, डीलर्स के पास भेजा जाएगा, रिटेलर्स के पास भेजा जाएगा, है ना, वो चीज। फिर उस बाहर भेजने को क्या कहते हैं, आउट, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। फिर क्या आता है, मार्केटिंग एंड सेल। अब डीलर्स के पास पहुंच गया, लोगों को कैसे बताओगे कि जो है मोबाइल आपका दुकानों में अवेलेबल है, मार्केटिंग करके, सेल्स करके, है ना, वो सारी चीजें। तो उसके बाद फाइनली जब प्रोडक्ट बिक जाता है तो क्या करते हो, सर्विस करते हो। तो अगर मान लो किसी किसी जो है कस्टमर को प्रॉब्लम आ गई, उसका जो पीस है डिफेक्टिव आ गया, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, या उसको ठीक करके दिया जाएगा। ये सारी कहाँ आ जाती है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उससे डायरेक्टली रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी कहाँ आएंगी, प्राइमरी एक्टिविटी में। इनबाउंड लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल आया, ऑपरेशंस, रॉ मटेरियल को जो है फाइनल प्रोडक्ट में बदला गया, फिर फाइनल प्रोडक्ट जब बन गया तो उसको डीलर्स के पास भेजा गया यानी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। उसके बाद जब डीलर्स के पास पहुंच गया तो लोगों को कैसे बताओगे कि फोन जो है दुकान में अवेलेबल है, आप जाके खरीद सकते हैं, मार्केटिंग करके। जब लोगों ने फोन खरीद लिया तो अगर मान लो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सर्विस करनी है, रिपेयर करनी है, उसके लिए फिर क्या किया जाएगा, सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। सपोर्ट एक्टिविटीज में कौन कौन सी आ जाती है, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेजमेंट कैसी है, फाइनेंस कैसे है, लीगल कैसा, लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, प्लानिंग कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज कैसे हैं, वर्कर्स कैसे हैं, वो सब चीजें। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी कैसी है, कन्वेयर बेल्ट कितनी है, जो मोबाइल है वो हाथ से असेंबल किए जा रहे हैं, रोबोट्स उनको असेंबल कर रहे हैं, वो सारी चीजें। और प्रोक्योरमेंट, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। ये तो सपोर्ट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होगी जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करती है ना, वो सारी चीजें। तो आप ये चीज याद रखेंगे, इन्हीं को नीचे हमने एक्सप्लेन किया है। आई होप आज आपके लिए इतना ही बहुत है। हमने क्या क्या कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन ले ली कंटेम्प्रेरी इश्यूज होता क्या है, फिर हमने समझा वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस पढ़ ली, वैल्यू चेन एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये समझ लिए, और वैल्यू चेन एनालिसिस के टाइप्स कितने हैं वो समझ लिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर कोई और आपको टॉपिक करना है, जैसे लीज फाइनेंसिंग के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन जो हमने वो स्किप किया है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वो करवाया जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, उनके ऊपर भी अलग से लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।